चल रहे हैं। मेरे पैर तो पत्थर की तरह भारी हो गए हैं। अगर इस नदी के बीच में कोई रास्ता होता तो हम लोग वृंदावन जल्दी पहुंच जाते। हमारे थके हुए पैरों को भी शीतलता मिलती। मुझे किसी ने मारा। तुम जो भी हो इसी समय हमें सताना बंद कर दो। नहीं रुक जाओ, नहीं बस करो, रुक जाओ। हम राक्षस हैं, वैजयंती की गेंदों से आक्रमण करने वाले। अब तुम हमें नहीं मार पाओगे। तुम फिर से गलत हो राधा, मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा क्योंकि मैं पिछले जन्म में राम था और सभी जानते हैं कि मैं कमाल का धनुर्धर था। झूठा कहीं का। क्या कहा तुमने? उसने कहा कि तुम झूठे हो, तुम कभी राम नहीं थे। राम तो साहसी योद्धा थे, कृष्ण का साहस तो केवल बेचारी निहत्थी गोपियों पर ही दिखता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? पर मैंने धनुर्धर राम का रूप धरा था। धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए मैंने ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा ली। जब मुझे पता चला कि महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और जो भी उनके शिव धनु की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता का विवाह उसी से करेंगे, समझी? ओ, किंतु जब सभी महाबली शिव धनु उठाने में असफल रहे, मैंने उसे इतनी शक्ति से उठाया कि शिव धनु भंग हो गया पल भर में। किंतु जब सीता से मेरा विवाह हुआ, मेरे पिता ने मुझे अयोध्या छोड़कर दंडकारण्य में वनवास पर जाने का आदेश दिया। वहाँ सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मैंने वन वन घूमकर सभी दुष्ट राक्षसों का संहार किया, परंतु तभी रावण ने मेरी प्रिय पत्नी सीता को हर लिया और मेरे परम भक्त जटायु के प्राण ले लिए। फिर मैंने रावण की लंका ढूंढ निकाली और वानरों की सहायता से उसका संहार किया और फिर अपने नगर अयोध्या लौटकर वहां का राज संभाला। हम सभी को रामायण पता है कृष्ण, और उस कहानी में तुम कहीं नहीं थे। मेरी बात मानो, मैं अब भी वनों में भटकता हूँ, किंतु मेरे हाथों में अब धनुष नहीं, ये बांसुरी होती है और तीनों लोगों को अपने बाणों से भयभीत करने के स्थान पर अपनी बांसुरी के तान से समस्त प्राणी जगत को मोहित होने पर विवश करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये तुम पर विश्वास कर रही है भाई। कृष्णा की ऐसी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यदि ये भगवान राम की तरह कोई वीरता भरा कार्य कर दिखाए तो हम इसकी बातें भी माने। यदि तुम इस सरोवर पर वृंदावन के लिए एक पुल बना सको जैसे श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका के लिए बनाया था, तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करें। तो तुम यहाँ हो कृष्णा, लो आ गई तुम्हारी वानर सेना। यदि तुम्हें पुल ही चाहिए तो ठीक है, बन जाएगा। मेरे विचार से ये कार्य अकेला दधी लोभा नहीं कर पाएगा। यहाँ आने के लिए धन्यवाद मेरे मित्रों, मुझे फिर से तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इन गोपियों के लिए सरोवर पर एक पुल बांधो ताकि ये सरलता से घी माखन वृंदावन ले जा सके।
ये जरूर कृष्णा की माया है। पत्थर तो नहीं तैरते, ये जरूर नकली होंगे। मैं नहीं उठा सकती। नहीं, कृष्णा ऐसा चमत्कार बिल्कुल नहीं कर सकता। जरूर यहाँ के सारे पत्थर तैरते होंगे। यदि तुम मेरी सहायता नहीं कर सकती तो मेरे कार्य में बाधा तो मत बनो। भगवान राम जैसे ही महान है। मैं अभी नहीं मानती कि तुम पूर्व जन्म में श्री राम थे। हाँ, सच में तुम खुद ही वानरों की तरह नटखट हो कृष्ण, इसलिए वह तुम्हारा कहना मानते हैं। राधा ललिता, अपने मटके उठाओ, हमें घर जाना है। तो वृंदावन तक पुल बनाने का ऐसा धन्यवाद दे रही हो तुम मुझे? रुको, तुम्हें इस पुल पर जाने के लिए कर चुकाना होगा। जैसे हाँ, तुम्हारी हांडी में से थोड़ा मक्खन,